उम्मीद वेलफेयर एसोसिएशन पठानकोट वालों पठानकोट दे मीरपुर कॉलोनी विच पंजाबी बाग पार्क विच पौधे लगाए गए। इस दौरान प्रधान अंजलि अरोड़ा ने प्रेस नु संबोधन करते हुए कहा कि कोरोना महामारी कारण बहुत सारे लोगों नु ऑक्सीजन दी घाट नाल जूझना पिया है। उन्हां दी संस्था ने ऑक्सीजन दी मात्रा नु वातावरण विच वधाउण लई पौधे लगाउण दी मुहिम शुरू की है। पंजाबी बाग पार्क विच संस्था वालों 51 पौधे लगाए गए अते आउन वाले समय विच होर थावां ते पौधे लाउण दी संस्था हमेशा अगे रहेगी। खींचकर रख लें इस प्रकृति को अपने आने वाले कल के लिए, आने वाले अपनों के लिए। ये कटते पेड़, ये सूखती नदियाँ, ये सिमटते पर्वत एक रोज़ बस यूं ही ख़त्म हो जाएंगे। आज हम कुछ कर सकते हैं, इस रोती हुई प्रकृति के आंसू हम पोंछ सकते हैं। एक वक्त बाद इस प्रकृति के आंसू भी सूख जाएंगे, तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तब आंसू तो होंगे प्रकृति की आँखों में नहीं, हमारी आँखों में, जिन्हें हम जाकर भी पहुंच नहीं पाएंगे। हम पुकारेंगे प्रकृति को हमारी मदद के लिए, पर वो खामोश बैठी, दूर बैठी, मौत की खामोशी ओढ़े बस यूं ही देखती रहेगी। नमस्कार, मैं प्रधान अंजलि अरोड़ा, उम्मीद वेलफेयर एसोसिएशन। आज हमारे द्वारा पंजाबी बाग पार्क नियर मीरपुर कॉलोनी में एक ट्री प्लांटेशन का प्रोजेक्ट किया गया। जैसा कि अभी हमने देखा कि कोरोना काल, पिछले 1.5 साल से कोरोना काल में हम लोगों ने कितनी ही दिक्कतों का सामना किया। अभी कुछ ही समय पहले की बात है, सब लोग ऑक्सीजन के लिए त्राही त्राही कर रहे थे, फिर भी हम लोग इन पेड़ों को आसानी से काट देते हैं। और इसी थीम को लेकर आज हमने अपना जो प्रोजेक्ट किया है ट्री प्लांटेशन का, मेरा सभी शहरवासियों से ये आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर हम अपने पर्यावरण को शुद्ध करें और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक खुशहाल वातावरण दें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। धन्यवाद। कितने पेड़ आप यहाँ पे लगा रहे हैं और किस तरह के पेड़? हाँ, यहाँ पे हमने 51 जो है आज अरेंज किए हैं, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमने कोई मेडिसिनल प्लांट है, कुछ शेडो प्लांट है जिससे हमें कि ज़्यादा से ज़्यादा छाया मिल सके। मेडिसिनल प्लांट में हमने बिलपत्री का पेड़ लगाया है, तुलसी का पेड़ लगाया है और अमरूद के और आम के पेड़ लगाए हैं जो काफ़ी समय तक लोगों को छाया देते रहेंगे और फल देंगे। लगाने के मैम आगे भी आपके प्लान हैं? हाँ, अगर हम हमारा जैसे अभी हम लोग लास्ट मंथ में ही करना चाहते थे, बट अभी हम जो मानसून, अभी मानसून स्टार्ट हो रहा है, हमारा यही प्रयास रहेगा कि मानसून एंडिंग तक एक या दो प्रोजेक्ट और कर लें और अलग अलग पार्ट्स में करें। थैंक यू।